महाशिवरात्रि की कथा, शिव और बैलगाड़ी। दशकों यह कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी मां के साथ एक योगी रहते थे। उनकी मां काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूं। योगी ने अपनी बूढ़ी मां के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी मां का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने मां को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी मां ने मुझसे मांगा है, कृपया मुझे इसे पूरा करने दे। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूं, हम वहां सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं, कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुत से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा दो बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हो तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। गाड़ी नजदीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी मां बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं, उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हां कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बारेच रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बरहस रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी मां की ओर देखा, मां ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के मां ने शरीर छोड़ दिया। बैल, बैल गाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, यह अवश्य ही अपनी मां को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उसे पूछा, तुम अपनी मां को कहां छोड़ आए। उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए, और यही सच है, मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, ये मैं अपने अंतर में जानता हूं, अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा, वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खाद वहां नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने, जहां भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में लोग जानते थे।